दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको ईटीवी नेटवर्क से जुड़ी जानकारी देने जा रहे हैं, क्योंकि ईटीवी नेटवर्क एक बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहा है। बताएंगे इस बदलाव के बारे में विस्तार से और साथ ही साथ एक अपडेट्स और भी देंगे आज इस वीडियो में, जो कि एयरटेल डिजिटल टीवी से जुड़ी है, जिस पर एक HD चैनल्स लॉन्च कर दिया गया है। बताएंगे इस चैनल के बारे में विस्तार से, लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को और पे प्रेस कीजिए, ताकि हमारी ऐसी ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। और फ्रेंड्स आप देख रहे हैं वहा फिर डिस यूट्यूब चैनल, मैं हूं आपके साथ इरफान। और फ्रेंड्स हमारे सेकंड यूट्यूब चैनल वहा फिर डिस 2 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की टॉपिक की ओर। जैसे कि फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं कि ईटीवी नेटवर्क बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहा है और साथ ही साथ एयरटेल डिजिटल टीवी पर एक नया चैनल ऐड हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एयरटेल डिजिटल टीवी के बारे में, जिस पर एक नया चैनल ऐड हुआ है जो कि HD क्वालिटी का है। और नाम की बात करें तो इसका नाम रहने वाला है G3। जी हाँ, G3 के नाम से एक नया HD चैनल एयरटेल डिजिटल टीवी के प्लेटफॉर्म पर ऐड कर दिया गया है। और वहीं बात करें इसके चैनल नंबर की, तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि 779 पर आप देख सकेंगे एयरटेल डिजिटल टीवी पर। और इसके प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस रहने वाला है ₹16। जी हां, अगर आप एयरटेल डिजिटल टीवी के सब्सक्राइबर है तो आप ₹16 में इस चैनल को देख सकेंगे। और वहीं बात करें ईटीवी नेटवर्क के बारे में, जैसे कि हमने आपको शुरू में ही बताया कि ईटीवी नेटवर्क में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। तो फ्रेंड्स हम इससे पहले बात कर लें कि कल हमने आपको एक वीडियो में बताया था, जिसमें बताया था कि ईटीवी नेटवर्क का एक नया चैनल लॉन्च होने जा रहा है, जिसका नाम है ईटीवी लाइव। जी हाँ, इस चैनल के बारे में हमने आपको कल की वीडियो में अपडेट्स दी थी और इसका लोगो भी दिखाया था, जो कि आप अभी भी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन वहीं से बात करें ब्रॉडकास्टर की, तो ब्रॉडकास्टर की ओर से अब सभी चैनल्स के लोगो बदल देने की खबर निकल के आ रही है। जी हाँ, हमें सूत्रों के मुताबिक खबर मिली है कि ईटीवी नेटवर्क के सभी चैनल्स के लोगो बदलने जा रहे हैं। और जो हमें सूत्रों के मुताबिक नए लोगो मिले हैं वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भी कुछ समझ से बाहर बातें हो रही हैं, क्योंकि ईटीवी नेटवर्क के एक नए चैनल को यानी ईटीवी लाइव चैनल को अभी MIB की ओर से लाइसेंस मिला है, और अब फिर से ईटीवी नेटवर्क इस लोगो को चेंज करने जा रहा है, यानी ईटीवी लाइव चैनल का नया लोगो जारी कर दिया है और नया लोगो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप सबको क्या लगता है कि ईटीवी नेटवर्क के जो पुराने लोगो हैं वो ही बेहतर है, या जो आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये ज्यादा अच्छे अट्रैक्टिव लग रहे हैं? आप हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं, और साथ ही साथ आप ये भी बताएं कि आप एयरटेल डिजिटल टीवी पर G3 चैनल्स देखना पसंद करोगे या नहीं। और आज की वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज की वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।